तो आई यूज टू से आई विल नेवर मैरी अ पॉलिटिशियन क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का कुछ समझ नहीं आता, तो मैं बात क्या करूँगी उससे, होगी शादी यार वो बहुत बिजी आदमी है, तो मैं उनको ले गई हनीमून के लिए। बट अपनी शादीशुदा जिंदगी से और बहुत सारे राज फैंस को बताती हुई परिणीति चोपड़ा की और बहुत सारी शादी की बातें बताएंगे, जो कि इस टाइम पर इन्होंने पहली दफा शादी के बाद जो इंटरव्यू दिया वो आपको सुनाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। बात कीजिए परिणीति की और राघव की, तो फैंस जब से परिणीति और राजनीति यानी कि राघव और परिणीति इकट्ठे हुए हैं, इनकी जोड़ी को हमेशा बहुत ज्यादा प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस का कहना है कि राजनीति की बात की जाए तो हमारे राघव हमारे फेवरेट हैं, और अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो परिणीति हमारी और भी ज्यादा बहुत बड़ी सुपरस्टार है, और दोनों का जोड़ा हमें वाकई बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार में नजर आया। इवन के शादी के बाद कहीं पर भी परिणीति नजर आई तो वो अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए नजर आई। इवन के इनका अगर बात की जाए इनके हनीमून की, तो इनका कहना था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा इस टाइम पर अगर ये कहा जाए कि मसरूफ बनता है, बिजी बनता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी माँ और अपनी सासू माँ के साथ हनीमून पर जाना पड़ा, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ भी जरूर जाऊंगी हनीमून पर। खैर इन सारी चीजों के चलते हुए फैंस परिणीति के लिए बहुत सारी तमन्ना बहुत सारी प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हमेशा सुहागन रहें, आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि हमें आपका कपल बहुत ज्यादा पसंद है। खैर व्यूअर्स, आपको इनके बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू से बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बातें जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।